अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ करूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। मैं आपका दोस्त मुबशर अली पीरज़ादा माशूक अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से। दोस्तों आज जो तारीख है वो है 29/04/2021, ठीक है। तो आज मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ ग्रीन चिक कन्योर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस के बारे में और साथ में ही इसके चिक्स के बारे में थोड़ी सी प्रोग्रेस दूंगा आपको, ठीक है। इस वक्त आप देख रहे हो कि मेल और फीमेल दोनों ही हांडी के अंदर मौजूद है। अभी इन्होंने कुछ देर पहले इस अपने बेबी को खरबूजा फीड कराया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब तक उसकी क्या प्रोग्रेस है। तकरीबन बेबी तकरीबन 15 डेज के नियर हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब तक वो किस तरह का दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेबी बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी दिक्कत की बात ये है कि इसके लेग्स जो है वो डिसेबल हो गए थे, ठीक है। दोनों लेग्स दोनों ही दिशाओं में, एक इधर मूव कर दिया एक उधर मूव कर दिया, क्योंकि ये बेबी किसी सहारे से बैठ नहीं सका। और सेकंड इसके पेरेंट्स जो इसको लिटा कर फीड करते हैं, ठीक है, तो ये उसी हालत में पूरे पूरे दिन बैठा रहता था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कुछ ट्रीटमेंट किए जिस वाइज अल्हम्दुलिल्लाह ये बेबी थोड़ा सा बैठा हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि आया मैंने इसके साथ ऐसा क्या किया है जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी कुछ इस कंडीशन में आपको बैठा हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, ये थी आज तक की इसकी प्रोग्रेस जो कि वन बेबी के साथ इसकी ग्रोथ है, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेबी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो ग्रीन इंडियन निगनेक के जो चिक्स थे, ठीक है, जो कि हांडी के अंदर मौजूद थे, जो कि हम अपने वक्त की कमी के बाद हम नहीं निकाल पाए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस हांडी के अंदर दो बेबी थे, दो में से एक बेबी नीचे आ चुका है, ठीक है, ठीक है। जेंडर के लिहाज से तो इस वक्त ये मेल लिख रहा है मुझे, ठीक है। और उसके अलावा हमारी बराबर हांडी में आ जाए तो यहाँ पर इसके तीन बेबी थे, तीन में से दो बेबी इसके बाहर आते जाते हैं, ठीक है। एक बेबी ये बैठा हुआ है, ठीक है, और सेकंड वन इसके अंदर है। और उसके अलावा यहाँ पर भी दो बेबीज मौजूद है और ये भी तकरीबन दो से तीन दिन के अंदर ये भी निकल आएंगे, ठीक है, बाहर। और फिर हमारे पास यहाँ पर वाइल्ड पेयर का जो दो चिक्स मौजूद हैं इसकी हांडी में, दोनों ही बेबी माशाल्लाह ग्रोथ करके फुल फैदर और फुल कवर हो चुके हैं माशाल्लाह। ये भी अभी दो एक दिन में बाहर आ जाएंगे। कहने को तो ये नुकसान है लेकिन नुकसान नहीं कहूँगा मैं, ये मेरे लिए न्यू पेयर बॉन्डिंग के लिए बेबीज काम आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सेकंड क्लच के भी दो चिक्स निकल आए, ठीक है। दो बेबी दो अंडे हमने यहाँ से मूव किए थे वो तो ग्रोथ नहीं कर सके और डेड इन सेल हो चुके, लेकिन उसके अलावा इसके अपने जो जाती अंडे थे उसके दोनों चिक्स निकल आए। सामने वाले के तीन अंडे, तीनों अंडे माशाल्लाह फर्टाइल थे और सामने यहाँ पर भी इस फीमेल ने सेकंड क्लच में तीन अंडे ले किए हैं। तो इंशाल्लाह इसकी भी प्रोग्रेस हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे, ठीक है। मैं अभी इस वक्त पानी चेंज करने के लिए आया हूँ तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दूँ। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फुल कवर चिक्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि हमने रोके। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़्यादातर इसमें फीमेल्स हैं, ठीक है, जो कि मेरी हालत के लिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक्टिव हैं और कोई भी बाइट नहीं करता इनमें, ठीक है, सारे मन चले हैं मेरी तरफ। तो इंशाल्लाह आने वाले डेज में इनकी भी प्रोग्रेस आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूँगा अच्छे से। तो जब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह मेहरबान।